Lovers. Lovers. Welcome to Nai. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग स्पेशल है क्योंकि स्पेशली हम सरप्राइज बर्थडे वो कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं मिनाहिल के लिए। मिनाहिल को कोई आइडिया नहीं है। मिनाहिल को मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने भाई और भाभी के यहाँ भेज दिया है और ये रूम है जहाँ हमें सेटअप करना है सारा। तो थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन करनी है और झटपट खाना भी तैयार करना है क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। तो मैं आप सबसे पहले खाने का करती हूँ, फिर उसके बाद मैं इस रूम को डेकोरेट करूंगी थोड़ा सा। तो देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब देखिए मिनाहिल शाम में आएगी, उसको ये कैसा लगता है। तो जल्दी से अभी मुझे किचन में जाके खाने की तैयारी करनी है। ऑलरेडी 3 बज चुके हैं तो चलें तो चलते हैं किचन में। हम जल्दी से जो है अपने कीमे को मसाला लगा देंगे। मैं बना रही हूँ आज दम वाला कीमा और आलू गोश्त का सालन। तो टाइम नहीं था इसलिए मैंने सबसे पहले जल्दी से चढ़ा दिया। तो ये मैं आपको जल्दी से अपनी रेसिपी बता देती हूँ। ये मैं 3 चम्मच में अदरक लहसुन इसमें ऐड करी, ठीक है। लाल मिर्चें 1/4 टीस्पून के हिसाब से है, ये मैंने 4 टीस्पून ले लिया है। नमक 2 टीस्पून, को हम पकाते हुए चेक भी कर सकते हैं कि कम है कि ज्यादा। हल्दी बनी हुई है, धनिया पाउडर 1, गरम मसाला भी 1 टीस्पून, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे, लेकिन एक चीज इसमें रह गई है, मैं लेकर आती हूँ। अभी आपको पता है कमरा मैंने आपको जो दिखाया था उसकी डेकोरेशन रह गई है, सेटिंग तो थोड़ी सी मैंने चेंज कर दी है वहां की। फाइनली खुल गया, दही में इसमें ऐसे ही डाल, ठीक है। तकरीबन ही मैंने आधा पाव, थोड़ा सा ज्यादा दिया है इसको। फाइनली 1.5 कीमा, ये 1 kg, ठीक है, कीमा 1 kg है, ये हो गया। अब हम इसको मैरिनेट कर देंगे और उसको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए हम उसको फ्रिज के अंदर रखेंगे। फिर हम इसको हल्की आंच पे तेल के अंदर पकाएंगे। ग्लव्स पहने सब ज्यादा बेस्ट है, तो आसानी रहती है करने में। मिनाहिल को मैंने अपने भाई भाभी के यहाँ भेज दिया है, वो लोग शाम में आएंगे। हम इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे, ठीक है। ये मसाला अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है, ठीक है। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया, ठीक है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 2 से 2.5 घंटे के लिए और फिर हम इसको पकाएंगे। चले फिर अब करते हैं डेकोरेशन कमरे की। जी तो अब जल्दी से चलते हैं कमरे की तरफ। ये मैं आपको कमरा दिखा दूं। ये मैंने बर्तन वगैरह धोके यहाँ पर लगा दिए हैं खाने के लिए। ये मैंने टेबल पे छोटी सी डेकोरेशन की है, हेड्स वगैरह लगाई हैं। अब सिर्फ केक मंगाना रह गया। एक्चुअली फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं बच्चों के लिए बर्थडे के अंदर केक घर पे नहीं बना सकी क्योंकि झटपट अचानक से जो है ये बिल्कुल प्लान हुई है। ये पहले से बिल्कुल भी प्लान नहीं थी, तो अचानक से ये प्लान बना कि आज बर्थडे रख लेते हैं, तो इसलिए मुझे मजबूरन बाहर से केक मंगाना पड़ा। तो अब देखते हैं आगे कि इसमें और थोड़ी सी क्या तब्दीली ला सकती हूँ। मैं थोड़ा सा और इसको बेटर सोच रही हूँ, कुछ और थोड़े से बलून्स वगैरह,
कुछ लाइट्स थी मेरे पास लास्ट ईयर की, तो यहाँ सामने दीवार पे सोच रही हूँ कि लाइट्स लगा लूँ, कुछ बलून्स तो ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ये मेरे पास लाइट्स हैं, थोड़ी सी काली हो गई हैं, बट अब इसी को यूज़ करना पड़ेगा। और थोड़े से बलून्स वगैरह फुला के, ये देखें ये रूम मैंने ऐसे डेकोरेट कर लिया है, ये बलून्स लगा दिए हैं, ये टेबल पे थोड़ी सी लाइटिंग कर दी है, और ये वॉल पे एक लाइट लगा दी है। आई होप कि आपको ये डेकोरेशन जो छोटी सी है आपको पसंद आ रही होगी। ये सारा सामान मेरे पास पहले से रखा हुआ था, क्योंकि आज संडे है तो आज शॉप सारी बंद होती है, मुझे ये सामान मैंने कहीं से अरेंज नहीं किया। ये ऑलरेडी मेरे पास पारिस की बर्थडे का सामान था जो लास्ट ईयर हमने सेलिब्रेट की थी, तो वही सामान मैं यूज कर रही हूँ इस कमरे के अंदर। ये छोटी सी डेकोरेशन है, आई होप कि जब मिनाहिल आए तो उसको ये सरप्राइज मेरा अच्छा लगे और ये बस सिर्फ पसंद अब है। इंतजार है तो मिनाहिल के आने का। ठीक है, ये आपको मैंने दिखा दिया, मैं करीब से दिखाती हूँ। सही है, चलें अब चलते हैं, सालन पकाना है। मैंने कढ़ाई रख दी है सालन के लिए, अब मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल रही हूँ। हम बनाने जा रहे हैं दम का खीमा। आपको पता है मैंने खीमा पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, तब तक मैं फ्रिज में से खीमा ले आती हूँ। ठीक है, ये तेल गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर खीमा डालेंगे जो हमने मैरिनेट करके रख रखा था। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि फिर तेल आपके ऊपर उछल लेंगे। देखो तेल नहीं है, जरा भून जाए फिर हम इसका नमक मिर्च चेक करेंगे। अगर कम हुआ कुछ तो हम और ऐड कर देंगे, मैं आपको बता दूंगी कि मैंने अगर ऐड किया तो फिर इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐड करने की, मैंने हिसाब से डाला हूँ। तो इसमें नाइल किसी भी टाइम पे आ जाएगी, अगर डेकोरेशन वगैरह सब रेडी है। केक मुझे अर्जेंटली जो है बाहर से मंगवाना पड़ा, मुझे केक बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इंशाल्लाह अभी बारिश के लिए आएगी तो मैं उसमें बना लूँगी, एक दिन पहले से स्टार्ट कर दूँगी। मैं आपको प्रॉपर जो है केक बनाना सिखा दूँगी। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह ऊपर नीचे कर देंगे सीने में। और अभी इसकी आँच मैंने तेज़ ही, धनिया नहीं रखी है ज़्यादा, फुल तेज़ नहीं है ना कम है। ठीक है, क्योंकि ये 2 से 2.5 घंटे इसको हो चुके हैं तो ये जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। और ऊपर से ये बिल्कुल पिसा हुआ है, हाथ का तो नहीं है, मशीन का खीमा है, तो जल्दी जो है ये गल जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी आंच और बढ़ा देते हैं और इसको ढक के इसका पानी खुश होने तक हम इसको पकाएंगे। ठीक है, रख दिया इसके ऊपर। बस अब इसके तेज आंच के ऊपर ये हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 20 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं कि इसका पानी खुश्क हो गया, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ी सी हम आंच बढ़ा के इसको थोड़ा सा भूनेंगे। बहुत जल्दी हो जाएगा ये, 15-20 मिनट में और लगेंगे। जरा इसको खूब भून लें तेज आंच के ऊपर, फिर इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे और आखिर में इसको कोयले का दम देंगे, जैसे कोयले को गर्म करके भूनी देंगे। और बिल्कुल ये जैसे बाहर मार्केट में आपने सीख कबाब खाएं, बिल्कुल सेम वही टेस्ट आता है, जो कोयले के ऊपर बनते हैं ना सीख कबाब, बिल्कुल सेम वही टेस्ट आएगा। बस ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से भून जाए, मुझे पता नहीं सर कलर इसके अंदर इतना लाइट क्यों आ रहा है, हालांकि इसमें भी अच्छा खासा डार्क बन रहा है। ठीक है, इसको 10 से 15 मिनट जो है हम लोग इसको भूनते, फिर मैं आपको दिखा दूंगी क्या काफ़ी हद तक ये भून चुका है। ये देखिए
लगे हाथों में आपको दूसरा सालन भी दिखा देती हूँ। ये है आलू गोश्त, ठीक है। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल टाइम नहीं था इसलिए मैंने झटपट ही तैयार किया। सेकंड सलाद में बना के तैयार कर चुकी हूँ पहले ही। ये हो गया है, ठीक है। इसकी गार्निशिंग है ये हम इसके ऊपर से कर देंगे। पानी इसके अंदर मैंने बिल्कुल नहीं डाला है, जो दही का और इसका अपना पानी था ना ये उसी के अंदर हो गया, ठीक है। अब इसको मैं 5 मिनट और पकाऊंगी और फिर उसके बाद जब तक हम दूसरे चूल्हे के ऊपर कोयला गर्म करने के लिए रखते हैं। आइए, ये मैंने चूल्हा जला लिया और अभी इसके ऊपर कोयला रख दिया। मैं इसकी आंच थोड़ी सी बढ़ा दूंगी, 10 से 15 मिनट के अंदर ये गर्म हो जाएगा। जब तक ये बिल्कुल धीमी आंच रखी है इसकी, ये देखें बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर जब तक ये हो रहा है तब तक कोयला हो रहा है। चलिए वेट करते हैं। वो देखिए 5 मिनट हो गया, मैं इसको दम पे लगाया है। अब हम एक ऐसी स्टील की कटोरी रखेंगे इसके सेंटर के अंदर, देखिए बिल्कुल साफ सुथरी दी हुई, ये हमने इसके सेंटर में रख दी है। देन अब हम ये कोयला जो हमारा गर्म हो गया है इसको हम लगे, ठीक है। अब हमें जल्दी से जो है इस पर ऑयल डालना है और डाल के फौरन ही इसके ऊपर ढक्कन ढकना है ताकि इसकी खुशबू जो है कोयले की वो उसके अंदर ही। हमारा खेमा रेडी है। जी तो ये मिनाहिल एंटर हो चुकी है रूम के अंदर और ये मैंने लाइट्स ऑन कर दी थी मिनाहिल के लिए। ये मिनाहिल की एंट्री और ये मिनाहिल के एक्सप्रेशंस, मिनाहिल को पसंद आएगी डेकोरेशन मेरी और ये सरप्राइज। मुझे थैंक्स कह रही है। आपको ये कैसी लगी डेकोरेशन, कैसी लगी? जबरदस्त आए अंदर है, उसे बहुत पसंद आया सब डेकोरेशन। बलून्स वगैरह भी, लाइट्स भी। अरे मुझे भी पक गया। अरे धागा उसका। चलो चलो हैप्पी बर्थडे, स्टार्ट भी हो जाओ भाई। Everybody do you?